नमस्कार। आज मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में एक मिट्टी है, ये पानी का गिलास है। आप सोच रहे होंगे जोत प्रिया जी, ये मिट्टी पानी का गिलास लेकर के आज क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज एक अद्भुत है। देखिए, ये मिट्टी मैंने पानी के अंदर डाली, पानी क्या हुआ? मिट्टी में हुआ। गंदा नहीं कहेंगे, मिट्टी में हुआ। गंदी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस इसमें कुछ ऐड हो गया है। अब देखिए कि ये पानी है, यहाँ से थोड़ा सा शेप अलग है, यहाँ पर अलग है। अब देखिए गहराई से कि यहाँ पर कुछ जमता जा रहा है। मिट्टी जो थी यहाँ तक आ चुकी है, लेयर आप देख पा रहे होंगे। अब मैं अगर इसको हिलाता रहूँ और इसमें अगर लकड़ी से भी जोर से इसको घुमाऊँ तो क्या होगा? मिट्टी यहाँ से ऊपर उठ के ये देखिए घूम रही है गोल गोल। ये मिट्टी अब जितनी देर पानी हिलेगा ये मिट्टी ऊपर रहेगी, और जैसे ये पानी नीचे जाएगा ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो इस बात से आप समझे क्या? क्या समझे? आप जो भी समझे खुदा की मेहरबानी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से सही समझते हैं। लेकिन इसका मैसेज एक अद्भुत और इससे अलग है जो आप समझते हैं। ये गिलास वास्तव में गिलास नहीं है, पानी पानी नहीं है और मिट्टी मिट्टी नहीं है। वास्तव में क्या है? ये जो गिलास है ये हमारा मन है, और जो इसके अंदर पानी है वो जो हमारे पास सूचनाएं हैं, जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है। और जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या है? मिट्टी हमारे इमोशन हैं, भावनाएं हैं। क्या है कि अगर हम चिंतित होते हैं, हम सीधी सीधी बात मानसिक रोगों की करते हैं, डिप्रेशन के अंदर उदास होते हैं और OCD के अंदर चिंतित होते हैं, डर लगता है, फोबिया के अंदर डर लगता है और बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे इस मन, जो मन रूपी जो गिलास है, मन के अंदर जो सूचनाएं हैं उसमें उथल पुथल शुरू हो जाती है और हमारे इमोशन बदल जाते हैं, मिट्टी घुल जाती है पानी के अंदर। तो करना क्या है कि आपने आप करते हैं OCD के अंदर, आप करते हैं उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए, इस मिट्टी को जबरदस्ती नीचे बिठाने के लिए रिचुअल करते रहते हैं। डिप्रेशन वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई और काम करते हैं, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको छोड़ देना है। जब ये गिलास भी हिलना बंद होगा, पानी भी हिलना बंद होगा, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। तो करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना, जो इमोशन है उसको छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है। नो जजमेंट, नो उसके ऊपर बातचीत, और OCD के अंदर गंदगी से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड जो एंग्जाइटी फियर पैदा हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। रिचुअल कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक्शन किया तो वो एक्शन ये होगा, इस तरह वाला एक्शन होगा। इस तरह के एक्शन करने से वो मिट्टी वापस आ जाएगी, एंग्जाइटी वापस बढ़ती रहेगी, फिर कुछ देर बाद में आपको लगेगा कि एंग्जाइटी कम हो गई, लेकिन कम नहीं हुई, आपने ज़्यादा कर दी। तो एक्शन बंद कर देने हैं, मन अपने आप शांत हो जाएगा, एंग्जाइटी चिंता फुर हो जाएगी। वास्तव में मन को खराब हमने ही किया है, मिट्टी भी हमने डाली है, हिलाते भी हम ही हैं, और इसको ठीक करने के लिए इसकी नेचुरल स्टेट में इसे छोड़ दें। प्रकृति का नियम है, अपने आप सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है, बैलेंस में आ जाती है, प्रकृति बैलेंस बनाती है। तो इस प्राकृतिक तरीके को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाएँ तो ऑनलाइन बात कर सकते हैं, चूक ना जाना साइकोगुरु टीम से बात करना। अगर आप साइकोगुरु टीम से बात करते हैं तो आपका समस्या का समाधान निश्चित मानिए। आप इन वीडियोज़ के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं, इसके लिए मैं साइकोगुरु राजेंद्र आपका आभारी हूँ।